नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 7 बजे 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 से जो है वो आप लिखना स्टार्ट कर दें, और उसके बाद में आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो पेपर आएंगे मिलान कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप में किस जिले की संचिता ने बालिका वर्ग में अंडर 14 पिस्टल टीम में स्वर्ण पदक जीता है। पिस्टल टीम के अंदर जीता है स्वर्ण पदक, और यह स्वर्ण पदक अगर पूछे राजस्थान के अंदर किस जिले की है, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की। श्रीगंगानगर जिले की एक बालिका जिसका नाम आता है संचिता, और संचिता ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। श्रीगंगानगर की दो बेटियों संचिता और धुरिया गुप्ता ने भाग लिया भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप में। तो ये नेशनल स्कूल गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था, भोपाल में। संचिता ने तो जीता था स्वर्ण पदक, धुरिया गुप्ता ने अंडर 14 राइफल टीम में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो अगर पूछे कि धुरिया गुप्ता का संबंध किस जिले से है, गंगानगर जिले से है। अगर पूछे किस खेल से है, तो शूटिंग से है। संचिता श्री गंगानगर जिले से, खेल शूटिंग, स्वर्ण पदक जीता है और इसने जीता है सिल्वर मेडल। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 67वें राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने खेलों की मेजबानी मिली है। 67वें राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता, और इसके तहत देखिए तो राजस्थान के अंदर जो मेजबानी मिली है वो मेजबानी मिली है राजस्थान में 6 खेलों। कितने खेलों को, 6 खेलों को मेजबानी मिली है। और अगर पूछिए कि ये 6 खेल कौन कौन से हैं, 6 खेल कौन कौन से हैं, तो नेशनल गेम्स के तहत राजस्थान को 6 खेलों की मेजबानी मिली है। प्रदेश में पहली बार किसी खेल आयोजन के लिए 15-15 लाख रुपए हर जिले को दिए जा रहे हैं। किस जिले में किस खेल का आयोजन होगा, यह ध्यान में रखना है। तो जोधपुर के अंदर आयोजन होगा टेनिस, बाड़मेर में आयोजित होगा बास्केटबॉल का, जयपुर में आयोजित होगा कबड्डी का, और बीकानेर में 2 खेल हैं, वेट लिफ्टिंग और सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता, और श्रीगंगानगर जिले के अंदर होगा जूडो का आयोजन। तो अगर जिले देखें तो जिले कितने हैं, 5, खेल कितने हैं, 6। जोधपुर में टेनिस, बाड़मेर में बास्केटबॉल, जयपुर में कबड्डी, बीकानेर में वेट लिफ्टिंग व सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता, और श्रीगंगानगर के अंदर होगी जूडो प्रतियोगिता। 6 खेलों की मेजबानी जो है वो किसको मिली है, राजस्थान को मिली है। राज्य में महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की कमी और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कौन सा जिला पुलिस प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के अंदर अभी एक नई रिपोर्ट आई है, और नई रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे शीर्ष स्थान पर, प्रथम स्थान पर जो रहा है वो रहा है राजस्थान का पाली जिला। कौन सा जिला रहा है, पाली जिला रहा है। इसमें 2 रूप से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं 2 रूप से क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दर्ज मामलों के निस्तारण और परिवादी की संतुष्टि के आधार पर प्रदेश के जिलों की रैंकिंग जारी की। इसमें पाली पुलिस ने महिला अपराध से जुड़े 85.79% मामलों का निस्तारण किया है, और बीकानेर में मामलों के निस्तारण का प्रतिशत पाली से ज्यादा है। क्या है, पाली से ज्यादा है, 88.07%, लेकिन परिवादी की संतुष्टि रेट 72.99% रहने से पाली पहले और बीकानेर जो है वो क्या है, दूसरे स्थान पर है। अगर ये पूछे कि राजस्थान के अंदर किस जिला में पुलिस ने महिला अपराध में निस्तारण का प्रतिशत किस जिले में ज्यादा रहा है, तो मामलों में निस्तारण का प्रतिशत तो क्या है, पाली से ज्यादा है, किसका, बीकानेर का। लेकिन परिवादी की संतुष्टि रेट अगर हम देखें तो पाली जो है वो पहले स्थान पर, बीकानेर आ गया दूसरे स्थान पर। तो 2 रूप से क्वेश्चन जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच MOU हुआ है,
इसके लिए नई डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कितने बांधों को जोड़ने की तैयारी है। राजस्थान के अंदर पूरी राजस्थान नहर परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य जो है वो समझौता हुआ, इसके तहत राजस्थान के अंदर जो बांध है उनकी संख्या है 79 जो बांध है। ये कौन सा बांध किस जिले में ये भी ध्यान रखना है। ये है छोटे बड़े बांध जो जुड़ेंगे जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें करौली जिले के अंदर जलसेन, जटवाड़ा, कायराड़ा, कालीसिंह, पांचना, जग्गर, ठीक है, धौलपुर में पार्वती, रामसागर, तालाब साई, उर्मिला सागर, जयपुर में रामगढ़ बाद, कालक, कानोता, छापरवाड़ा, सवाई माधोपुर में मुई, पांचोलास, सुरवाल, ये जो बांध दिए हुए हैं ये आपको नोट रखने हैं, याद रखने हैं कौन सा जिला कौन सा बांध। जैसे चाकन बांध किस जिले में है, बूंदी जिले के अंदर। राजस्थान की जियोग्राफी में जो टॉपिक है उस जियोग्राफी के टॉपिक के अनुसार भी बांध जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये बांध जो है वो आपको याद रखनी है कौन सा बांध किस जिले के अकॉर्डिंग या किस प्रकार से। फिर आता है 6 से 14 जनवरी 2024 तक जालंधर पंजाब में आयोजित 67वीं महिला विद्यालय राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की कौन सी खिलाड़ी खेलेगी। राजस्थान के अंदर चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की बात करें चाहे सेकंड ग्रेड रीट मेंस की बात करें तो एक टॉपिक दिया हुआ है खेल खिलाड़ी, और खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो हॉकी के एक खिलाड़ी है राजस्थान के अंदर और वो भी किस जिले की है, हनुमानगढ़ जिले की है और उसका नाम है कंचन लावा। कंचन लावा हनुमानगढ़ जिले की हॉकी की प्लेयर है और 6 से 14 जनवरी 2024 तक जालंधर पंजाब में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में वो क्या लेगी, भाग लेगी। 19 वर्षीय महिला विद्यालय राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 6 से 14 जनवरी तक जालंधर पंजाब में और इसमें हनुमानगढ़ जिले के थलड़का की हॉकी खिलाड़ी कंचन लावा जो है वो खेलेगी। नेक्स्ट 3 जनवरी 2024 को 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहां शुरू हुआ है। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ, शुरू कब हुआ, 3 जनवरी 2024 को, और ये आयोजन जो है वो राजस्थान के अंदर किस जिले में हुआ है, जयपुर जिले में हुआ है। कहां शुरू हुआ है, जयपुर जिले के अंदर शुरू हुआ है। तो 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता जिसके तहत 17 वर्ष आयु छात्रा समर के मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आरंभ हुए और उप मुख्यमंत्री वर्तमान के अंदर दो उप मुख्यमंत्री जिनमें से उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो अगर ये पूछे कि 3 जनवरी 2024 को 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने किया। बढ़ते आगे, राजस्थान के किस व्यक्ति को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। राजस्थान का एक व्यक्ति, ऑप्शन आपके सामने है, गुलाब चंद कटारिया, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनमें से एक व्यक्ति है जिसको पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर जो है वो नियुक्त किया गया है जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से। तो अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर जो है वो क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है कुलाधिपति के रूप में, और उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। जगदीप धनखड़ राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं, तो झुंझुनू जिले के निवासी हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, और इन्हीं को क्या बनाया गया है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आता है 2 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल, और इस पोर्टल को कब लॉन्च किया गया, 2 जनवरी 2024 को किसने लॉन्च किया, तो राजस्थान के कार्यभार डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक ने। तो वर्तमान में डीजीपी पद पर कौन है, उत्कल रंजन साहू। कौन है,
उत्कल रंजन साहू। तो उत्कल रंजन साहू ने इस पोर्टल को क्या किया है, शुभारंभ किया। तो राज्य के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू को राजस्थान पुलिस हैकाथॉन 8.0 के लोगो एवं राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन को लॉन्च किया है। राजस्थान पुलिस द्वारा आगामी 17 और 18 जनवरी 2024 को स्थानीय राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित की जाने वाली हैकाथॉन में आमजन की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर जनवरी 2024 के अंदर जो है वो हैकाथॉन का आयोजन जो है वो भी किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा में कामा से निर्वाचित कौन सी विधायक सबसे कम आयु की महिला विधायक है। सबसे कम आयु की महिला विधायक सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। नौक्षम चौधरी, प्रियंका चौधरी, रीटा कुमारी, शोभा रानी कुशवाहा है। इसके तहत जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नौक्षम चौधरी। कौन सा? नौक्षम चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। तो कामा से निर्वाचित सुश्री नौक्षम चौधरी सबसे कम आयु की महिला विधायक है जिनकी आयु कितनी है 33 वर्ष। और अगर पूछे सबसे युवा विधायक सबसे कम उम्र का, तो रविंदर सिंह भाटी जो शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं। दूसरे नंबर पे अंशुमान सिंह भाटी जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र से हैं। सबसे अधिक आयु की बात करें, सबसे बुजुर्ग विधायक की एक बात करें तो हरिमोहन शर्मा जो बूंदी विधानसभा क्षेत्र से है और दीपचंद बेरिया जी जो है किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। तो सबसे कम आयु की महिला विधायक जिसकी आयु है 33 वर्ष वो कौन है? नौक्षम चौधरी। फिर आता है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कल हमने किया था रीफ, आज कर रहे हैं जीफ। रीफ यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अब है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन 9 से 13 फरवरी 2024 से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो 9 से 13 फरवरी 2024 जयपुर में जीफ का आयोजन होगा और ये संस्करण जो होगा वो कौन सा होगा? 16वां संस्करण होगा। राजस्थान के अंदर 16वें संस्करण का आयोजन जो है 9 से 13 फरवरी 2024 तक जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का किया जाएगा। संकल्प में ऑफलाइन बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। रीट L1 SSC मैथ साइंस द्वितीय श्रेणी अध्यापक व्याख्याता CET RS SI ये नए बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। और संकल्प के ऑनलाइन कोर्स पर जो छूट दी गई थी इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी आप कोर्स खरीदते हैं तो उस पर जो है वो छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में आपको मिल जाएगी बुक राजस्थान का भूगोल, कला व संस्कृति, इतिहास, पशु परिचर और जिला दर्शन। ठीक है, तो इसी के साथ सूचना सहायक मॉडल पेपर SSC GD की वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड इसकी जो बुक है वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना लिखते रहें इन क्वेश्चनों को, संपूर्ण जो है वो आपको कोर्स से इसके अकॉर्डिंग आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।